आम आदमी पार्टी की विचारधारा के तीन स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। ये जो इतनी चीजें हम करते हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, ये हम क्यों करते हैं, हम रोजगार बजट क्यों लाते हैं? ये इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसी है। कई लोग पूछते हैं मेरे से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के तीन स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है, कट्टर ईमानदारी। और उसी वजह से आज देश के दो राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई। और तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। तो तीन स्तंभ हैं, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। अध्यक्ष महोदय, रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं, रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं, कितने सालों से चला आ रहा है कि वहां पे बच्चे हम देखते हैं भीख मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। कोई बच्चा आता है हमारी खिड़की पे नॉक करता है, हम अपनी खिड़की की शीशा नीचे करते हैं, या तो दुत्कार देते हैं उसको, दो गाली देके भगा देते हैं, और किसी में दया हो तो वो जेब से निकाल के थोड़े से उसको पैसे दे देता है। उसको लगता है भाई मेरा काम तो हो गया, पुण्य कमा लिया मैंने। कितने सालों से चला रहा है, कितने सालों से चला रहा है, किसी ने उनके लिए कुछ किया? कई सरकारें आई, अभी तक जो किया उनके लिए वो मैं बताता हूं। कुछ सरकारों ने एंटी बेगिंग एक्ट निकाल दिया कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। अभी तक तो यही करा कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। क्यों? उन सरकारों में इंसानियत की कमी थी। कुछ सरकारों ने किया, उनको पकड़ पकड़ के चाइल्ड होम में डाल दिया, वहां इतना बुरा हाल, इतना बुरा ट्रीटमेंट, वो बच्चे वहां से फिर भाग आते हैं, वो फिर वहीं आके। आप ये देखो, कई जगह आपने देखा होगा, ये बच्चे सड़क के किनारे एक गोल चक्कर लेके और उसमें से कैसे कलाबाजी खा रहे होते हैं। उनकी बॉडी आपने देखी है कितनी फ्लेक्सिबल है। मेरे को तो लगता है अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ओलंपिक का अवार्ड ला सकते हैं। ये हैं तो अपने देश के ही, किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बच्चों की तरफ। हमारी पार्टी की विचारधारा है इंसानियत, हमारी पार्टी की विचारधारा है देश प्रेम। इसीलिए इस बजट में हमने इन बच्चों के लिए शानदार, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर प्राइवेट भी देख लेना स्कूल, सबसे शानदार स्कूल बनाएंगे। 10 करोड़ रुपए में बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। हॉस्टल में रहेंगे ये 24 घंटे वहीं रहेंगे, इनका साइकोलॉजिकल इमोशनल सारा देखा जाएगा, उनको बेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे, और यही बच्चे देखना एक दिन आपको ओलंपिक के अवार्ड ला के दिखाएंगे।